अगर आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, यानी कि सफ़र के दौरान आपको उल्टी होती है या उल्टी होने का मन करता है, और हाल ही में आपने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया है, किसी डेस्टिनेशन पर घूमने का प्लान बनाया है, और आप इस विचार में चिंतित हैं कि अगर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, आधा सफ़र तो दिमाग ख़राब ही रहेगा, उल्टी करने का मन करेगा, तो आज मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा जिससे कि आपको ये जो उल्टी होने की समस्या है वो नहीं होगी और आप अपने सफर को बड़े आराम से एंजॉय कर पाएंगे। तो आज इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं इन खाने पीने की चीजों के अलावा आपको कुछ ऐसे टिप्स भी देने वाला हूं जिनसे कि आप मोशन सिकनेस से दूर हो पाएंगे। और ये जो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँगा, ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर करूँगा, क्योंकि एज अ ट्रैवल व्लॉगर मैं ट्रैवल करता हूँ अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए। आप हमारा चैनल भी देख सकते हैं, आगम एक्सप्लोरर यूट्यूब पे, या फिर इसी चैनल के फीचर चैनल्स में वो आपको मिल जाएगा, जहाँ पर हम अलग अलग जगह पर घूमते हैं और हर जगह की डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे पहले बहुत उल्टियाँ होती थी, बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो चीजें आप फॉलो कर सकते हैं और आप भी बिना किसी परेशानी के ट्रैवल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। देखिए, मोशन सिकनेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि गाड़ी में बैठने के साथ ही आपको एक अलग सी अजीब सी स्मेल आने लगती है और ऐसा मन करता है कि भाई सिर घूम रहा है और कब ये जर्नी ख़त्म होए, कब हम बस से या इस गाड़ी से बाहर उतरें। और उस दौरान अगर ज़्यादा देर आपको बैठना पड़ जाए ट्रैवलिंग के दौरान, तो उल्टी होने का रिस्क तो हमेशा बना ही रहता है। तो अब जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, उन्हें अगर आप ट्रैवलिंग के दौरान अपने साथ रखते हैं और उन्हें खाते रहते हैं, तो आपको उल्टी करने का मन नहीं करेगा, आप एक तरह से फ्रेशली अपनी यात्रा को कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ है अदरक, जो कि होने में तो बहुत सिंपल सी एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये आपकी मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम को दूर कर सकती है। अदरक का जब भी आपको ट्रैवलिंग कर रहे हो आप, तो जब भी आपको मन करे कि भाई उल्टी होने का मन कर रहा है, तो उस टाइम पे अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उसे दांत के नीचे रख के हल्का सा प्रेस कर लीजिए। उसका जो जूस निकलेगा वो आपके लिए बहुत हेल्दी होता है, बहुत ही बेनिफिट आपको करेगा, क्योंकि अदरक में होता है जिंजरॉल, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि आपको उल्टी होने से रोकेगा, आपका माइंड फ्रेश रखेगा और आप सफ़र अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है लौंग। लौंग जिसे हम इंग्लिश में क्लोव्स बोलते हैं, इन्हें आप थोड़ा सा भून करके अपने साथ रखिए, यानी कि जब आप ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हो तो उससे पहले आपको थोड़ी बहुत लौंग ले लेनी है और उसे एक डिब्बी में भरकर रख लेना है, मतलब उसको थोड़ा सा सेक लिया और डिब्बी में भरकर रख लिया। जब भी आपको मोशन सिकनेस के दौरान प्रॉब्लम हो या फिर आप गाड़ी में बैठे भी हो, उस टाइम पे आप एक से दो लौंग मुंह में रख लीजिए, थोड़ा सा दांत के नीचे प्रेस कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। इसका जो सब्सटेंस होता है, मतलब देखिए लौंग जब खाते हैं बहुत स्ट्रांग होती है और इससे जो मूड खराब होने वाली समस्या है वो बहुत जल्दी तुरंत ठीक हो जाती है, तो लौंग आप रख सकते हैं। तीसरी चीज जो कि आपको सफर में मदद करेगी वो है मिंट की जो गोलियां आती है, छोटी छोटी मिंट, मतलब जो पुदीने की गोलियां आती है जिसमें ठंडक ठंडक वाला फील आता है, वो आप रख सकते हैं, या फिर हाजमोला की गोली रख सकते हैं, या हरड़ रख सकते हैं, जो खट्टी मीठी गोलियां आती है वो रख सकते हैं, वो आपको मदद करेगी सफर के दौरान। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है नींबू और काला नमक, ये बहुत मदद करता है मोशन सिकनेस से फाइट करने में। काला नमक अच्छा रहता है और नींबू भी अच्छा रहता है। तो करना क्या है, जब भी आपको सफ़र के दौरान कुछ भी बेचैनी सा महसूस हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, तो नींबू को दो टुकड़ों में काटिए, आधे नींबू के ऊपर काला नमक लगाइए और उसको चूसिए। नींबू की पहली बात तो स्मेल ही इतनी अच्छी होती है कि वो आपको उल्टी होने से बचाएगी, और जो काला नमक और नींबू आप एक तरह से चूसेंगे या चाटेंगे उससे आपका मन काफ़ी सही हो जाएगा, या फिर एक ग्लास में नींबू निचोड़कर थोड़ा सा काला नमक डाल के उसको पी लीजिए, वो भी आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो कि आपको मोशन सिकनेस से लड़ने में मदद करेंगी।
और साथ ही अगर आपकी गाड़ी कहीं रुकती है तो बीच में अगर हो सके तो मौसमी का जूस या नींबू का जूस या संतरे का जूस, इस तरह का जूस आप पी सकते हैं। इससे भी मन साफ रहता है और अच्छा रहता है। तो ये तो बात हो गई खाने पीने की कि क्या चीज़ें आपको लेनी चाहिए सफ़र के दौरान। अब बात करते हैं कि स्मेल का क्या करें। अगर हम किसी गाड़ी में चढ़ते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आती है जिससे कि दिमाग वहीं से ख़राब होना चालू हो जाता है। जब वो गाड़ी में चढ़ते हैं, कोई कार हो, बस हो या टैक्सी हो, उसमें जब हम चढ़ते हैं तो एक अजीब सी स्मेल आती है जो कि पूरा का पूरा मूड ख़राब कर देती है। तो ऐसे टाइम पे क्या करें, देखिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बहुत अच्छे से काम भी करती है, कि जो मार्केट में पेपरमेंट मिलता है किसी भी पंसारी शॉप पे या जनरल स्टोर पर आप जाके बोलेंगे कि आपको पेपरमेंट चाहिए। पेपरमेंट छोटी छोटी डलियों के रूप में आता है, बहुत ठंडा पदार्थ होता है एक तरह का। तो वो जो पेपरमेंट की डलियाँ हैं वो आप ले आइए, एक डिब्बी में भरकर अपने साथ ट्रैवल पर ले जाइए। जब भी आपको वो अजीब सी स्मेल आए तो पेपरमेंट की एक छोटी सी डली, एक छोटा सा टुकड़ा निकालिए, उसको अपने रुमाल में डालिए और उसको अपने मुंह पे लगा लीजिए। एक बहुत ही फ्रेश वाली जो फीलिंग है वो आपको आएगी, जैसे कि टूथपेस्ट जब हम करते हैं फ्रेश वाला, तो उससे एक अलग ही ताजगी वाली जो स्मेल आती है वो आपको पेपरमेंट से आएगी। वो बहुत अच्छा रहेगा, पेपरमेंट अपने साथ ले जाइए, स्मेल नहीं आएगी। या फिर तुलसी का जो एसेंस आता है, तुलसी का किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे आप जाएंगे तो वो आपको तुलसी का एसेंस दे देंगे। छोटी सी डिब्बी आती है जिसकी 2-3 बूंद अगर आप अपने रुमाल पर डाल के सूंघेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी बेटर फील होगा। या फिर तुलसी की जो ड्रॉपलेट्स है उसको आप पानी में मिला के पी भी सकते हैं। वैसे इसकी जो स्मेल होती है बहुत अच्छी होती है, तो ये आपका स्मेल का इलाज कर देगी। और इसी के साथ एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवलिंग में पीछे पीछे की सीट को अवॉइड करें। हो सके तो आगे वाली सीट लीजिए, जो ड्राइवर के पास वाली सीट होती है वो चूज़ कीजिए, या फिर अगर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो जस्ट ड्राइवर के पीछे वाली सीट थोड़ी सी वो चूज़ कीजिए, जो ड्राइवर और उसके पड़ोस वाली सीट है उसके बीच वाला जो गैप होता है जहाँ से सामने का व्यू पूरी तरह नज़र आता है, कांच के बाहर दिखता है, वो वाली सीट आप चूज़ करिए और उस डायरेक्शन में बैठिए जिस डायरेक्शन में आपका व्हीकल मूव कर रहा है। इससे क्या होगा, मोशन सिकनेस की समस्या नहीं होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप ट्रैवल करें पूरी तरह पेट साफ करके ट्रैवल करें, अदरवाइज़ आपने कई बार महसूस किया होगा कि पेट में गैस जैसी बन रही है या पेट में दर्द हो रहा है, एक अलग से मरोड़े आ रहे हैं, इस तरह की समस्या होती है। तो पेट को पूरी तरह साफ़ करिए, क्योंकि अगर गंदगी भरी हुई है तो वो मूड ऑलरेडी ख़राब करेगी। तो पेट साफ़ कीजिए, ज़्यादा हैवी नहीं खाना है, बहुत लाइटली कुछ खा के, ज़्यादा कुछ नहीं खाना, खाली पेट भी नहीं जाना है पर ज़्यादा नहीं खाना है, बहुत कम खा के लाइट खा के आप ट्रैवल करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर सफ़र आपका लंबा है और अंदर घुटन हो रही है व्हीकल के अंदर बैठकर, तो आपको थोड़ी सी खिड़की खोल लेनी है ताकि फ्रेश एयर अंदर आ जाए, या फिर आपकी खुद की व्हीकल है, खुद की गाड़ी आपने हायर करी है तो उसको आधा एक घंटे के अंदर आप 5 मिनट के लिए रोक सकते हैं ताकि आप फ्रेश एयर बाहर की ले सकें और फिर वापस से अपनी जर्नी को शुरू कर सकें। या फिर रास्ते बहुत ज़्यादा गोलमोल हैं तो उस टाइम पर तो बिल्कुल याद रखिए कि बिल्कुल कांच से बाहर देखना है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका व्हीकल चल रहा है, ताकि आपको मोशन सिकनेस की समस्या का सामना न करना पड़े। तो ये हैं कुछ ऐसी चीजें जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं, जिन्हें आप खाते हैं, तो आपको मोशन सिकनेस यानी कि उल्टी होने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें आपको टेंपरेरी रिलीफ देंगी, लेकिन अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो वो चीजें आपको टाइम के साथ आएंगी। जैसे मुझे जो समस्या थी वो एकदम से सॉल्व नहीं हुई, ये चीजें बहुत मदद करती हैं, आपको भी मदद करेंगी, लेकिन जैसे जैसे आपको ट्रैवलिंग की आदत पड़ती जाएगी, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने लगेंगे तो आपकी समस्या ऑटोमेटिकली पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारा ब्रेन उसी तरह से वर्क करने लगेगा। लेकिन आप सोचें कि ये बिल्कुल परमानेंटली एक बार में ही इसका इलाज हो जाए, कई लोग बोलते हैं कि ये चीज़ें खा लो, वो चीज़ें खा लो, आपको एकदम से सब बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सा इनसे मदद मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी, आपकी समस्या हो सकता है पूरी तरह सॉल्व भी हो जाए, लेकिन ये टाइम लेने वाली प्रोसेस है, आदत पड़ेगी, आदत के हिसाब से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत मदद करने वाली ये चीज़ें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और हमारा जो ट्रैवलिंग चैनल है आगम एक्सप्लोरर, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोस मिलते रहे, वहाँ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, काफ़ी अच्छे कंटेंट हैं, आप जाके ज़रूर चेक कीजिए।
आगम एक्सप्लोरर ऑन यूट्यूब। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी भी ये मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहें।